डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है हेलो एलके और हेलो एरेज। इसमें हम बात करने जा रहे हैं 2014 से लगाकर 2020 तक, यानी 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी टोटल 7 साल में इस यूनिट में हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में क्या क्या एमपी बोर्ड के अंदर पूछा गया है, उन प्रश्नों को आज हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो यूनिट है आपकी टोटल 4 मार्क्स की यूनिट है, यानी इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग अब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और हम डिस्कस करेंगे आपके 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछले 7 सालों के हम प्रश्नों को यहां पर देखने जा रहे हैं। ईयर वाइज हम क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम चलते हैं सत्र 2014 के अंदर। 2014 में कौन सा प्रश्न आया था इस यूनिट के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर टोटल 2 प्रश्न पूछे गए थे 2014 में। क्या क्या आया था? एक तो आया था यहां पर राइट फॉलोइंग इक्वेशंस, कुछ अभिक्रियाओं को लिखिए। पहली अभिक्रिया उसने पूछी थी यहां पर कि आप बताइए कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है क्या। पहली रिएक्शन तो उसने पूछी थी कौन सी रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन की बात करी थी। और दूसरी रिएक्शन यहां पर पूछी गई थी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पूछी थी उसने? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। 2 क्वेश्चन तो ये थे। इसके बाद में यहां पर बात हुई थी 2 और क्वेश्चन की, उनकी तरफ चल रहा हूं मैं। तो टोटल 4 रिएक्शन यहां पर पूछी थी 2014 में उसने। कौन कौन सी थी? पहली कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, अगली फ्रैंकलैंड रिएक्शन थी, थर्ड रिएक्शन जो उसने पूछी थी वो थी आयडोफॉर्म अभिक्रिया, आयडोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? आयडोफॉर्म रिएक्शन है। और फोर्थ जो रिएक्शन इसके बाद में पूछी थी वो थी फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन, यानी फिटिंग अभिक्रिया। एक प्रश्न तो 4 अभिक्रियाओं को मिलाकर, 4 रिएक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन तो उसने यहां पर दे दिया था। उसके और में उसने पूछा था, इसका जो और था उसकी तरफ चलता है और इन सब प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व भी करेंगे। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा ताकि हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें इसके और में क्वेश्चन था फ्रियोन के बारे में। किसके बारे में था? फ्रियोन। उसने पूछा था कि राइट प्रिपरेशन फ्रियोन, ये उसने पूछी थी प्रिपरेशन, यानी इसको बनाने की विधि। प्रिपरेशन की बात हुई, बनाने की विधि, इसके उपयोग यानी कि यूजेस और इसके गुण यानी कि प्रॉपर्टी पूछी थी उसने। तो ये 2 क्वेश्चन एक दूसरे के और में थे। अब इन क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इस रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होती है? तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बड़ी सरल सी रिएक्शन है। देखो क्या होता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में, सबसे पहले आप यहां पर लेंगे एनिलीन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को देखते हम लोग, सबसे पहले लेंगे एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन की जाएगी किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में। और क्लोरोफॉर्म के साथ में एक और रिएजेंट होगा, वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। तो क्या होगा देखो, यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसको हम समझते हैं, यहां से दोनों हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा? तो इस रिंग के ऊपर बचा हुआ N, यहां से चला जाएगा C, तो यहां पर आ गया NC, यानी क्या बन गया? इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बचा होगा देखो, 3 CA 3 K के साथ चले जाएंगे, तो क्या बना लिया? 3 के CA। अब ऑक्सीजन कितने? तो 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने? देखो 2 ने 1, 3 और 3, ये तो 3H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहली जो रिएक्शन है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन।
नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट मेरे साथ में। सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिएक्शन आपको दिखाई दे रही कौन सी? फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब हम चलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन की तरफ। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन जिंक के साथ होती है। देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। C2H5I + ZnI + I C2H5। क्लियर? तो हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड के टू मॉलिक्यूल लिए और इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवा दी। जब जिंक के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। जब जिंक के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहां पर आप देखोगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी आयर एल्केन हमें मिल जाते हैं। यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ कार्बन दूर चार्ज, यानी कि ब्यूटेन हमें मिल गया, प्लस क्या बना ZnI2 का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ZnI2 का फॉर्मेशन हो गया। चलो अगली रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, वो कौन सी रिएक्शन है साहब? आइडोफोम रिएक्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ आइडोफोम। अब आइडोफोम में क्या होगा तो मेरे साथ नोट करके चलो, CH3COCH3 लिया आप लोगों ने। क्या लिया? CH3COCH3, यानी कि कीटोन लिया। कीटोन की रिएक्शन हम करेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ में। आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल ले लिए साहब? 3 मॉलिक्यूल। किसके लिए? आयोडीन के लिए। अब क्या होगा, यहां पर 4 मॉलिक्यूल लेंगे हम, किसके? NaOH के लिए। तो साहब NaOH के कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 4 मॉलिक्यूल ले लिए। अब बनाना क्या है आयडोफोम, तो आयडोफोम का सूत्र है CHI3, तो आप इससे क्या बना रहे हो? CHI3 बना रहे हो। प्लस बचा क्या है? तो CH3COONa, यानी सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। क्या बचा हुआ है? आगे चलते हैं। आई कितने थे हमारे पास में? 3 × 6 I3, 6 में से कितना चले गए? 3। कितने बचे हुए? 3 और बचे हुए, तो आप क्या लिख सकते हो? 3NaI, यानी सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। Na कितने थे? 4, 4 में से 3 और 1 चार ही निकल गए, उसका भी काम हो गया। बचा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? आयडोफोम रिएक्शन हो गई। आगे चलते हैं साहब चौथी रिएक्शन की तरफ। चौथी कौन सी दिख रही? फिटिक रिएक्शन है। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, तो देखो फिटिक रिएक्शन 3 टाइप की होती है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। अब हम यहां पर किसको देख रहे हैं? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन पे क्या करेंगे आप लोग, C6H5Cl के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसके रिएक्शन हम करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ में। तो हमने लिख दिया यहां पर C6H5Cl के 2 मॉलिक्यूल और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na के साथ। तो दिख रहा है आपको किसका फॉर्मेशन हुआ? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस क्या निकल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बन गया। यानी कि C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 को आप लोग क्या बोल सकते हैं? 2 फेनिल है, तो इसको आप डायफेनिल या बायफेनिल बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये 2014 की शुरुआत की पहले प्रश्न की 4 अलग अलग क्वेश्चंस को हमने यहां पर सॉल्व कर लिए, 4 जो रिएक्शन थे। अब हम इसके और वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर ले इसको आप लोग। चल इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, हटाता हूं, आगे चल रहा हूं आप लोगों के साथ। अब बात होगी इसकी, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फ्रेओन के बारे में। क्या कह रहा हूं साहब? फ्रेओन क्या है, इसकी प्रिपरेशन देखना है, इसकी प्रॉपर्टी देखना है और इसके यूजेस देखना है। 2014 का अथवा का प्रश्न है और में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करता हूं। देखो एक बात ध्यान रख ले पहले तो, फ्रेओन जो होता है इस फ्रेओन को CFC भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेओन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहा जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, यानी इसको बनाने की विधि, यानी मैं देख रहा हूं प्रिपरेशन की तरफ आ रहा हूं। प्रिपरेशन की 2 रिएक्शन देख रहे हैं, दोनों रिएक्शन को मैं देख रहा हूं। पहली रिएक्शन में देख रहा हूं, मैंने लिया यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5। किसकी प्रेजेंस में? SbCl5। अब देखो क्या हुआ, यहां पर बन रहा है CFCl3 क्लोरो, देखो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, प्लस क्या बन गया?
एक मॉलिक्यूल किसका निकल गया बाहर? HCl का, क्योंकि यहां से Cl निकला, यहां से H निकला। चलो एक और प्रिपरेशन देखता हूं, वापस मैंने लिया CCl4 और इसकी रिएक्शन में दो HF के साथ कर देता हूं। रिएक्शन सेम टू सेम है HBCl5 की प्रेजेंस में होगी। अब हुआ क्या कि यहां से कितने क्लोरीन निकालना है, मुझे दो निकालना, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CF2Cl2+2HCl। क्लियर? तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राइट प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन, तो फ्रियोन की आप ऐसी कोई दो प्रिपरेशन लिख देना, इसको बनाने की कोई दो विधि होगी। ठीक है, अब चलते हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं गुण, ठीक है, प्रिपरेशन को बोलते हैं बनाने की विधि। प्रॉपर्टी यानी गुण की तरफ हम आ गए हम इसके। चलो अब प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है आप मेरे साथ में नोट डाउन करते चले, लिख ले, लिख ले प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, फ्रियोन इज ए हाईली स्टेबल, फ्रियोन इंग्लिश में बोल रहा हूं, फ्रियोन इज ए हाईली स्टेबल, फ्रियोन अत्यधिक स्थायी होता है, पहली बात। दूसरा, इट इज ए नॉन रिएक्टिव, ये अक्रियाशील है। पहला तो क्या हो गया, हाईली स्टेबल है यानी अत्यधिक स्थायी है, नॉन रिएक्टिव है यानी अक्रियाशील है। तीसरा, नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, विषैला नहीं है, तो नॉन टॉक्सिक गैस, ये विषैली गैस नहीं होती है। और इट इज इजीली कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ये आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक लाइन लिख लो, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये रंगहीन और गंधहीन गैस है। लास्ट नोट कर लो, इट इज ए वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका इट इज ए वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गए इसके यूजेस, सॉरी प्रॉपर्टी। अब चल रहा हूं मैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस मतलब उपयोग, उपयोग को भी मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यूजेस यानी इसके उपयोग, यदि स्पीड थोड़ी स्लो है तो या तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हो या फिर आप स्केप करके उसको नोट कर सकते हो। फ्रियोन का उपयोग किस में होता है, तो इसका यूज होता है एरोसोल प्रोपोलेंट, पहला यूज लिखना, एरोसोल प्रोपोलेंट, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, क्या लिखोगे, एरोसोल प्रणोदक के रूप में। दूसरा, एज ए फायर एक्सटेंजर, एज ए फायर एक्सटेंजर, अग्निशामक के रूप में। तीसरा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। चौथा, एयर कंडीशनर सिस्टम में, एयर कंडीशनर सिस्टम में वायु शीतलन के रूप में। ये बात होगी 2014 की। अब आ रहा हूं मैं 2015 की तरफ और पढ़ेंगे 2015 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हेलो एलपीएन और हेलो एलपीएन में पूछे गए थे। चलो साहब, अब स्टूडेंट वीडियो को स्किप नहीं करने का है, लेक्चर स्किप नहीं करने का है, पूरा पढ़े मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते, 2015 में आ गए हम लोग, कहां पर आ गए, 2015 में आ गए। अब 2015 में क्या आया था उसकी तरफ चलते, उसने क्वेश्चन आया था कि राइट फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्या था, राइट फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हिंदी में भी लिख देता हूं, क्लोरो बेंजीन की अभिक्रियाओं को समझाइए, यह प्रश्न था साहब। अब क्या क्या पूछ रहा हूं, क्या समझाने की कह रहा, उसकी तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहला उसने कहा इसके अंदर हेलोजनीकरण, यानी कि हेलोजिनेशन। अब हेलोजनीकरण क्या होता है तो देख लेते हैं। हेलोजनीकरण में हमने लिया यहां पर क्लोरोबेंजीन, क्योंकि उसने हमें बॉन्डेड कर दिया कि भाई किसकी रिएक्शन बताओगे आप, क्लोरोबेंजीन की बताओगे, तो क्लोरोबेंजीन का क्या करना है, हेलोजिनेशन।
तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने कर ली क्लोरीन के साथ में। यह रिएक्शन होती है फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जब फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहां पर भी सीएल आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे भी सीएल आ गया, या फिर आप इस सीएल को ऑर्थो के साथ पेरा पर भी लगा सकते हैं। तो नाम क्या बन रहा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाय क्लोरो, क्या लिखोगे, बेंजीन। इसका नाम पेरा डाय क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये पहली रिएक्शन हो गई। अब दूसरा प्रश्न उसने क्या पूछा था उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न था नाइट्रीकरण। दूसरा प्रश्न क्या था, नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन। अब भैया हेलोजिनेशन में रिएक्शन किसकी हुई, हेलोजन की, तो नाइट्रीकरण में किसकी रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिक एसिड की। देख रहे हैं हमने वापस लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, नाइट्रिक एसिड के साथ। इस नाइट्रिक एसिड को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, ये रिएक्शन होगी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो देखो अब क्या बन रहा है, देख लेते हैं। यहां पर भी सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा कि ऑर्थो पर NO2 ग्रुप आ जाएगा या फिर पेरा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। नाम क्या हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा पेरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्लियर। तो ये दो रिएक्शन आपकी यहां पर इस तरीके से हो जाती है। अगली तीसरी रिएक्शन चलते हैं। तीसरी रिएक्शन थी सल्फोनेशन। अगली रिएक्शन की तरफ चल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए इनको। 2015 की रिएक्शन है, मुझे 7 साल के क्वेश्चन समझाना है, इसमें थोड़ी स्पीड तेज रहेगी, वीडियो को रोककर आप इनको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन से आपको समझ में आ गया रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। वापस क्लोरोबेंजीन लिया और आप क्या लिख दोगे, H2SO4। H2SO4 का आप चाहे तो HOSO3H भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, यहां से बाहर निकला OH और यहां से बाहर क्या निकलेगा, H। इन दोनों ने क्या निकाल दिया, -H2O। क्या बन रहा है, तो ये रिएक्शन एक ध्यान रखें HNO3 की प्रेजेंस में होती है। क्या बन रहा है, यहां पर तो आ गया Cl, यहां पर आ गया SO3H, ये बचा ना, ये जुड़ जाएगा, प्लस यहां पर भी आ जाएगा पेरा पोजिशन पर SO3H। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H बहुत बड़ा ग्रुप होता है अपना, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी तरीके से नाम पेरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड नाम हो जाए। चलो जी अब चलते हम चौथी रिएक्शन की तरफ। सल्फोनेशन से हम आ गए किसकी तरफ, एल्काइलेशन की तरफ। चलो बात करते हैं एल्काइलेशन। एल्कलीकरण, एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में क्या हुआ, तो देखो यहां पर लिया वापस क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन होती है CH3Cl के साथ। ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को आप एक तरीके से और याद रख सकते हो, कैसे, इसको आप याद रख सकते हो, इट इज अ फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से आए, तो भी आपको यही लिखना है। देखो क्या हुआ, अब यहां पर CL और यहां पर आ जाएगा CH3, और तो पोजिशन क्लियर, और तो पोजिशन पे क्या आ गया, CL आ गया। क्यों, क्योंकि यहां से H निकला, यहां से क्या निकल गया, CH, यानी माइनस क्या हो गया, HCl, प्लस आप क्या कर सकते हो, पोलर पोजिशन पे भी CH3 लिख सकते हो। तो इसका नाम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन या पेरा क्लोरो टोलुइन, इसका नाम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन या पेरा क्लोरो टोलुइन इसका नाम हो जाएगा। तो 2015 में भी ये 4 अलग अलग रिएक्शन पूछे थे। अब इसके और में चलते हैं, इसके और में क्या दिया था उसकी बात करते हैं। 2015 में इसके और में जो क्वेश्चन दिए थे उसकी तरफ आ रहे हैं।
क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड देयर। इस क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन थे, क्या था इसकी तरफ आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंड देयर, क्या होता है जब। तो देखो इसके और में था व्हाट हैपेंड देयर, यानी हिंदी में लिखे तो क्या होता है जब। इससे चार रिएक्शन पूछी थी, इन चारों रिएक्शन को मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए उनको, फिर हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे रिएक्शंस को। पहली रिएक्शन जो थी उसने पूछा, कहा था कि एथिल ब्रोमाइड, क्या कहा उसने कि एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो सिल्वर नाइट्राइड का उसने तो नाइट्राइड नहीं का नाइट्राइड का तो AgNO2 बाहर क्या निकल गया, AgCl, क्या बच गया C2H5NO2, नाइट्रोएथेन बन गया और बाहर क्या निकल गया AgCl। तो ऐसे आप रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या था एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड। चलो दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन है मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद ड्राई इथर, मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, यह कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है सोडियम धातु के साथ में और शुष्क इथर की उपस्थिति में। तो देखो क्या हुआ, यहां पर लिखेंगे 2CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी Na के साथ में, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, शुष्क इथर की प्रेजेंस में। उसने कहा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ होती है और ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है तो क्या होता है। तो देखो यहां पर आप देखोगे कि Br कितने, 2, Na कितने, 2, ये बाहर निकल गए, तो आप क्या लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, वुड्स रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, लिख सकते हैं। चलो थर्ड रिएक्शन क्या थी, थर्ड रिएक्शन थी कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्या थी एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड। अब एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br, अब क्या करना सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करना, तो NaO C2H5 के साथ अभिक्रिया करती है, तो देखो क्या निकल गया NaBr, क्या बन गया C2H5O C2H5 बन गया, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया ईथर का बन गया प्लस NaBr बाहर निकल गया। चलता है चौथी रिएक्शन क्या पूछी थी उसकी तरफ आते हो, चौथी थी एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, यानी एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या बन रहा है C2H5MgBr, नाम जानते हो आप इसका, लिख देना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये बात हो गई हमारी 2015 की, क्लियर है। लगभग हम लोग यहाँ पर अब लगभग 23-24 मिनट तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, दो साल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, अब चलते हैं 2016 के तरफ। लगभग एक साल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 10-12 मिनट लगे, चलो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आप लोगों को सभी सालों के प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा सकूं, हेलो एल्केन हेलो एरिन के, और इसके बाद की भी जो ऑर्गेनिक की यूनिट है उनके पिछले 7 साल के सॉल्यूशन में लेकर आ रहा हूं। आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चले आगे बात करते हम 2016 में आ गए, कब की बात हो रही है साहब, 2016 की। अब 2016 में भी कुछ प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर भी दो प्रश्न पूछे गए एक दूसरे के और में, और ये यूनिट 2014 से लगाकर 2021-22 में आ गए, वहां तक 4 नंबर की यूनिट है, हर बार 4 नंबर का प्रश्न आता है। चलो अब ये कह रहा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ में कुछ अभिक्रियाओं को समझाइए, ये कह रहा है। तो ये कह रहा क्लोरोफॉर्म से निम्नलिखित कैसे बनाओगे,
क्या प्रश्न है? क्लोरोफॉर्म से निम्नलिखित कैसे बनाओगे? ठीक है, अब हम क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बना सकते हैं? हाउ विल यू प्रिपेयर बाय क्लोरोफॉर्म? क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू प्रिपेयर बाय क्लोरोफॉर्म? चलो अब क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बना, सबसे पहला बनाने के लिए उसने कहा क्लोरीडोन। क्या बनाना है? क्लोरीडोन बनाना है। तो क्लोरीडोन बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो देख लो भैया, किसका फार्मूला है याद रख लो, कीटोन का या एसिडोन का फार्मूला है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? पहले कह दिया भैया उसने क्लोरोफॉर्म के साथ होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर दो। बनाना क्या है? क्लोरीडोन। क्लोरीडोन बनाने के लिए क्या करोगे? ये CH3 है, ये C है, ध्यान रखो ये C, ये C, यहाँ पर क्या है? O के साथ आ गया H, ये चल, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर कौन आ गया? ये कार्बन आ गया। इसके साथ कितने क्लोरीन है? 1, 2, 3। क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन, CHLORETONE, क्लोरीटोन बोलते हैं। और इसका एक और नाम है 1, 1, 1, यानी 1, 1 ट्राइक्लोरो 2-methylpropan-2 और ये नाम है इसका। चलो दूसरा क्यों कहा उसने? फेनिल आइसोसैनाइड आप कैसे बनाओ? क्या कहा उसने? फेनिल आइसो साइनाइड बनाने की कार। तो भैया फेनिल आइसोसैनाइड की बात थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी, C6 कार्बोनिल रिएक्शन है, C6H5NH2 प्लस CaCl3 प्लस 3KOH। क्या लिख दोगे आप? C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड नाम है, प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये हो गया। तीसरी रिएक्शन की तरफ, तीसरे उसने कहा एसिटिलीन। क्या कहा उसने? एसिटिलीन बनाना। तो एसिटिलीन के में क्या बनाने के लिए क्या करोगे? बड़ी सरल सी रिएक्शन है, वहां पर CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH। क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल लिए, इन दोनों को मॉलिक्यूल की रिएक्शन 6Ag के साथ करना है। क्या बन रहा है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl बाहर निकल जाता है, ये बन जो बना है उसका नाम है एसिटिलीन। चौथी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड रिमर डिमांड रिएक्शन। रिमर डिमांड रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी, उसके बारे में बात करूंगा। क्या होगा रिमर डिमांड रिएक्शन? क्या होगा? C6 उसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर लिखा OH प्लस CaCl3 प्लस, इस रिएक्शन इस रिएक्शन में ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर KOH की जगह आ जाएगा NaOH। यहां पर क्या हो रहा है? यहां फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, यहां सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा CHO। ठीक है, यहां पर बना 3NaCl प्लस 2H2, इसका नाम है सैलिसिलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया, अब इसके और में क्या है चलता हूं उसके ऊपर, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चल आगे, अब इसके और में क्या आया था 2016 में इसके अथवा में आया था, क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपन देन, क्या आया था उसकी तरफ चल रहा हूं। क्या है? क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपन देन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? व्हाट Happened, date या when? चलो क्या था, मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लेना, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसने पूछा था कि एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, एसीटोन रिएक्ट विद हॉट अल्कली सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, एसीटोन रिएक्ट विद हॉट अल्कली सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो देखो, हम लोगों ने शुरुआत में रिएक्शन पढ़ी थी अभी
आयोडोफोम रिएक्शन 2014 में आई थी उसी रिएक्शन को। देखो हुआ क्या, रिएक्शन है तो वही है, पर यहां पर बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है तो आपको सभी तरीके से उसको याद रखना पड़ेगा। तो चलते आगे, CH3CO CH3 क्या कहा गया आपको, एसिटोन रिएक्ट विद अल्कली सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो अल्कली सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का मतलब ये हो गया आयोडीन का क्षारीय विलेय, अल्कली सॉल्यूशन क्या बन रहा है, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म बन गया, ठीक है, प्लस 5NaI सोडियम आयोडाइड बन गया, प्लस HCOONa ठीक है सोडियम फॉर्मेट बन गया, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया। रिएक्शन नोट कर लीजिए, ये हमारी पहली रिएक्शन थी 2016 के और वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, यानी व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखो भैया बड़ी सरल सी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही, क्लोरल के साथ। तो क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CH2 प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हो भैया, क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करवा। तो ये क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल बन गए। चलो क्या होगा, देखो यहां से निकला O, यहां से निकला H, समझ में आ रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल निकल। तो ये तो आपका क्लोरल है और ये क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। तो कहा गया उसने क्वेश्चन में दिया कि भैया H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको यहां पे क्या बचा, CCl3 या बचा CH, माइनस क्या निकल गया H2। देखो कितनी रिंग जुड़ रही है, यहां पर आप दो रिंग जोड़ दोगे, ठीक है, आपने दो रिंग यहां पर इस तरीके से जोड़ दी, फॉर्मेशन हो गया DDT का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, क्लियर, क्या बन गया DDT। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते, थर्ड उसने पूछा था कि क्लोरोबेंजीन को इथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर, क्या कह रहा हूं, क्लोरोबेंजीन को इथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथर, फिटिक रिएक्शन बता दो पहले क्या है, C6H5 क्लोरोबेंजीन को किसके साथ अभिक्रिया करना है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करना है, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है, इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करना है। तो देखो यह मैं लिखा C6H5Cl2Na और C6H5Cl, क्या होगा यहां पे, देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन रहा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl, क्या नाम है इसका, डायफेनिल, दो फेनिल रिंग होगी ना इससे इसको डायफेनिल। चलो आगे चलते, चौथा क्वेश्चन क्या था, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद हॉट अल्कली KOH सॉल्यूशन। तो देखो क्या हुआ, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ में, KOH के साथ में, कौन सा है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मीडियम में। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी सी बदलेगी, क्या हुआ, एक तो पहले तो निकला KBr, ठीक, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, वहां क्या बचा C2H4 प्लस KBr प्लस H2, ठीक है। तो इस तरीके से हम या तो ऐसे लिख दो या इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहां पर एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 2016 के आपने बैक टू बैक दो प्रश्न देख लिए, अब हम चलते हैं यहां से सीधे 2017 की तरफ। अब 2017 में क्या प्रश्न आए थे उसकी तरफ आते हैं। अब हम 14 को क्रॉस कर लिया, 15 को कर लिया, 16 को कर लिया, अपने 17 में देखो, 17 में आए हैं उस क्वेश्चन को मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, लिखूंगा तो बहुत टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको मैं पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझ लेना क्या कहने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन में। उसने कहा कि एक अल्कोहल ए लिया, उसने क्या कहा, एक अल्कोहल ए लिया, बात हो रही है 2017 की, उसने किया जो प्रश्न में कहा एक अल्कोहल ए लिया, एक अल्कोहल ए लिया, उसकी रिएक्शन सांद H2SO4 के साथ की जाती है,
उसकी रिएक्शन सांद्र एस्टोसोफोर के साथ की जाती है। तो हमें यहां पर बी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। जब एस्टोसोफोर के साथ रिएक्शन होती है तो एस्टोसोफोर कहलाता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को वो रिमूव कर जाता है। तो हुआ क्या, यहां से एक तो OH निकला और यहां से H निकल गया, यहां पर C2H4 बन जाता है, बी बना। अब वो क्या कह रहा है कि इस बी की रिएक्शन किसके साथ करोगे? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे। तो यहां पर मिलेगा आपको CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, यानी कि सी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। नहीं, वो कह रहा है, सॉरी, सी नहीं, वो कहता है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे और जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन आप NaNH2 के साथ करोगे। इसकी रिएक्शन वो किसके साथ करवा रहा है? NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो जब NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर आपको मिलेगा CH3CH, ये आपका बन गया C। फिर वो कह रहा है कि जो C मिला है उस C की रिएक्शन आपको करना है H2SO4 और HgSO4 के साथ, ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जब वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर O आएगा और यहां पर H2 आएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3CHO का फॉर्मेशन हो गया और आपको मिल जाता है D। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एबीसीडी, इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखना होगी। अब 2017 में उसने एक और क्वेश्चन पूछा था इसके और में, क्या था? वो कह रहा है कि निम्न को पहचानिए, आइडेंटिफाई एबीसीडी। उसने रिएक्शन लिखी C2H5Br, उसने ऐसे कुछ रिएक्शन लिखी और इसकी रिएक्शन उसने करा दी KOH के साथ, ठीक। यहां पर हो रहा है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक कुछ नहीं लिखा, माइनस KBr, ठीक है, ऐसा कर दिया उसने। अब वो कह रहा है कि यहां पर क्या बना? C2H5OH बन गया, क्योंकि यहां C2H5 यहां पर क्या क्या OH बन गया, ये आपका बना A। वो कह रहा है इस A की रिएक्शन आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ करो। जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन होगी तो आप ध्यान रखें ये जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने की रिएक्शन है। तो माइनस CaCl2 लिखा उसने, HCO2CL लिखा और यहां पर उसने माइनस H2O लिखा। यहां पर वो कह रहा बी क्या बना, वो खाली उसने बी दे रखा है, ठीक है। तो बी आपका बना है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब वो कह रहा है इस बी की रिएक्शन Ag के साथ होगी, ठीक है। तो यहां पर बनेगा C, C का फॉर्मूला है CH3CH3, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये जो C बना इस C का फिर उसने आगे लिखा यहां पर कि Hg2+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो D बनता है, तो D का फॉर्मूला आ जाएगा CH3CH2। तो आइडेंटिफाई एबीसीडी 2017 में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्लियर। तो ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, हम चलते हैं यहां से निकलकर 2018 की तरफ। अब 2018 में उसने क्या पूछा था, देखो 2018 में दो प्रश्न आए थे, उन दोनों प्रश्नों को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। चलो हम आगे भी यहां से निकलकर कहां पर 2018 में 2018 प्रश्न आया था क्लोरोफॉर्म की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। क्या प्रश्न था कि क्लोरोफॉर्म की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या कह रहा हो? एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहली रिएक्शन थी उसमें इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट, हिंदी में कहते हैं वायु और सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया, वायु और सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया। क्या होगा? 2CHCl3+ वायु के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, बनेगा 2COCl2+ क्या बन रहा है? 2HCl, ठीक है। इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है फॉस्जीन, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? फॉस्जीन, और इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बोनाइल क्लोराइड।
दूसरी रिएक्शन उसने पूछी यहां पर, नाम ही दे रखा उसने, रिमर टीमान रिएक्शन। रिमर टीमर अभिक्रिया, हिंदी बोलते रिमर टीमर अभिक्रिया, रिमर टीमान अभिक्रिया। यह मैं दो बार पहले लिख चुका हूं, एक बार लिख देता हूं फटाफट। बड़ी सरल सी रिएक्शन है, OH CaCl3 है प्लस यहां पर 3KOH है, क्या होगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3KCl बनेगा प्लस 2H2 बन जाएगा। ये 2018 में उसने ये दो रिएक्शन पूछी थी। इसके और में क्या आता है, क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, नोट कर लिया आपने, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। अब क्लोरोबेंजीन की कुछ अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया रिएक्शन किसकी हो रही है भैया, अभी तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन देख रहे हम लोग, ठीक है, अभी तो क्लोरोफॉर्म की थी, अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन की। क्लोरीन की अभिक्रिया FeCl3 के साथ होती है, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद FeCl3, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 का। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है और FeCl3 की प्रेजेंस में। देखो भैया पहले पढ़ा हम लोगों ने, कौन सी रिएक्शन है, नाम बता दो इसका, हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्लियर है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। एक और अगली रिएक्शन उसने नाम से दी है, फिटिक अभिक्रिया, फिटिक रिएक्शन, क्या दी है उसने, फिटिक रिएक्शन, फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा भैया, दो बार तीन बार पहले देख चुके हम लोग, आई प्लस 2Na प्लस आई, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, क्या निकल गया 2Na निकल गया, क्या बनेगा डायफेनिल बन गया प्लस 2Na का फॉर्मेशन हो गया। ये प्रश्न थे 2018 के। अब आ गया हूं मैं लौट कर 2019 के पास, चलो बात करते कब की, 2019 की। 2019 में क्या आया था उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। दो हजार उन्नीस में जो प्रश्न आया था वो ये था कि हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर इन अल्काइल हैलाइड गिव्स इट्स मैकेनिज्म। प्रश्न था कि अल्काइल हैलाइड में नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसको समझाइए, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड में नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, तो देखो एल्किल हैलाइड में जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे तो एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब एल्किल हैलाइड का होता है तो वो हम ये कहते हैं कि दो तरीके से होता है, यानी हिंदी में कहूँ तो एल्किल हैलाइड में नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूं। एल्किल हैलाइड में नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए और इसकी क्रियाविधि दीजिए। हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड गिव्स इट्स मैकेनिज्म। अब एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, देखो क्या होगा, मैं पहले समझाता हूं। एल्किल हैलाइड में लिखा सपोज C2H5Br, ठीक है, अब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन सपोज मैंने OH नेगेटिव के साथ कर दिए तो C2H5OH प्लस यहां पर Br नेगेटिव हो गया, पर ये जो रिएक्शन हुई है आपको सिर्फ सिंपल रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये दो तरीके से होती है, एक तो होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। तो SN1 में एक अणु न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एक अणु नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या नाम है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणु नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, देखो इस रिएक्शन को यदि हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों ने लिया CH3Cl, क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया, तो मैंने CH3 और CL ने टर्शियरी क्लोरोबेंजीन ले लिया, सॉरी टर्शियरी क्लोरो टर्शियरी हेलो एल्केन ले लिया मैंने। अब क्या हुआ, ये रिएक्शन बड़ी स्लो होती है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ प्रोडक्ट है और यहां पर आपको मिलेगा एक कार्बोकेटायन CL बाहर निकल, दूसरी स्टेप में हमारी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, CH3 थ्राइस C पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन है
इसके रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी, तो क्या बनेगा CH3 thrice COH का फॉर्मेशन होगा। अब आप क्या लिखोगे इसके बारे में, SN1 जो रिएक्शन होती है ये दो पदों में पूर्ण होती है, इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। पहला जो पद होता है स्लो होता है जबकि दूसरा पद फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकंड स्टेप इज ए फास्ट। पहली जो स्टेप होती है वो हमारी स्लो होने के कारण उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यानी इसके द्वारा पहली स्टेप के द्वारा दर का निर्धारण हो सकता है। तो रेट प्रोपोर्शनल यानी दर समानुपाती होती है Rx के, क्लियर है, Rx की पावर 1 के, रेट इससे प्रोपोर्शनल होती है। और हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, SN1। अब SN2 की तरफ चलें, तो SN2 रिएक्शन जो होती है इसका नाम है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वि अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब द्वि अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने लिखा यहां पर CH+ इधर CNA, इधर OH नेगेटिव, ये OH बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्लियर है, ये इसमें एक स्टेप में होती पर इसमें दो पदों में होती, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होगी वो स्लो होगी, यहां पर CHHH ये CN टूटने की कोशिश कर रहा है और ये OH जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर बन जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये बात की जो हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी और यहां पर CHHH और ये OH बन जाएगा, क्लियर है। ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको रिएक्शन आपको बताना होगा। इसके और में एक और क्वेश्चन आया था, क्या था कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, मेंशन सेट्स ऑफ रूल्स एसोसिएट विद इट। तो द्विक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और सेट्स ऑफ नियम को समझाइए। अब हम चल रहे हैं द्विक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरफ और सेट्स ऑफ नियम को समझा रहे हैं। तो देखो सेट्ज़र नियम क्या है, यहां पर बात हो रही है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब की एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, उसको बाहर निकालना। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती है, मैं उसको समझा देता हूं आपको, बड़ा सरल सा है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने लिखा सपोज CH3 CH2 CN, इसकी रिएक्शन KOH के साथ है, तो यहां पर इस K ने इस CN को एलिमिनेट कर दिया और यहां पर इसकी जगह OH दे दी, तो CH3 CH2 OH+ ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। पर एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होगा, एलिमिनेशन में जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम लोग देखें तो यहां पर से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और ये जाएगा OH के साथ, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2+ KCl+H2O, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन को एलिमिनेट करना मतलब कि विलोपन अभिक्रिया, इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। और इसके द्वारा आपको बताना है सेट्ज़र का नियम। अब सेट्ज़र का नियम क्या कहता है, बड़ा सरल सा नियम कहता है, मैंने लिखा CH3 CH2 CHCl और CH। अब इसकी रिएक्शन मैंने यहां पर करवा दी किसके साथ में, KOH के साथ। ये Cl तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इस Cl के साथ में कौन सा H बाहर जाएगा, तो सेट्ज़र ये कहते हैं, सेट्ज़र ये में कहता है कि इस हेलोजन के साथ में वो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जहां पर जिस कार्बन पर पहले से ही हाइड्रोजन के नंबर्स कम है, द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ हेलोजन। तो यहां पर क्या होगा, ये CH यहां से निकलेगा और ये Cl निकला, एक Cl किसके साथ गया, K के साथ, और OH के साथ कौन गया, H गया। क्या बन रहा है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट। एक और ये हो सकता है कि भैया हाइड्रोजन हम यहां से ना निकालते हो, यहां से निकालते, जब हाइड्रोजन आप यहां से निकालोगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, तो मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा। तो सेट्ज़र कहते हैं कि उस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे जहां पर पहले से ही नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन कम हो, वो ये कहते हैं। तो 2019 में दो प्रश्न आए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया।
अब 2019 में, 2019 के बाद हम आगे सीधे 2020 की तरफ और 2020 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 2020 में बड़े सरल से प्रश्न आए थे, उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। 2020 में क्या आया था, 2020 में यहां से पूछा गया था उसकी तरफ चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रखा हुआ है और उस क्वेश्चन पेपर में मैं देखूं तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो था राइट शॉट नॉट ऑन फ्रियोन। किसके बारे में बात हो रही है, फ्रियोन के बारे में बात। फ्रियोन हम पहले भी पढ़ चुके, फ्रियोन को 2014 में पढ़ा था, वहां से आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद डीडीटी भी हम लोग पढ़ चुके, डीडीटी आपको बताया मैंने रिएक्शन हुई थी किसके साथ, CCl3CHO के साथ रिएक्शन, क्लोरल रिएक्शन हुई थी क्लोरोबेंजीन के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इसके और में जो क्वेश्चन दिया था उसने, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोरिंग फॉर सेब स्टोरेज, क्लोरोफॉर्म को अच्छे से सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और राइट IUPAC नेम ऑफ CHI3 और CHCl3, दो प्रश्न उसने पूछे थे। एक तो पूछा था उसने कि क्लोरोफॉर्म को आप सेफ यानी सुरक्षित कैसे रख सकते हो, और दूसरा उसने पूछा था कि इन दोनों के IUPAC नाम बताओ। तो इन दोनों के IUPAC नाम तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद होंगे, नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूं। आपको कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, 3, तो ट्राइक्लोरो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो, मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन, और इसका नाम है ट्राई आइडो मेथेन, इन दोनों के IUPAC नाम है। अब प्रश्न यह है कि क्लोरोफॉर्म को सेफ स्टोरेज कैसे रख सकते हैं। तो देखो क्लोरोफॉर्म को, एक और प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म को ब्राउन बोतल में क्यों रखा जाता है, या क्लोरोफॉर्म हवा में खुला रहे तो रिएक्शन क्यों कर सकता है। तो हमने एक रिएक्शन देखी थी शुरुआत में भी कि क्लोरोफॉर्म को सेफ स्टोरेज इसलिए किया जाता है या इसे कर सकते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज अ वेरी रिएक्टिव लिक्विड, बड़ा आसानी से अभिक्रिया करने वाला होता है। क्यों, क्योंकि जिससे इसे एयर मिलती है और सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट मिलती है, ये तुरंत फॉजिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो गया फॉजिन गैस में, और ये फॉजिन जो कार्बोनिल क्लोराइड जो गैस है बड़ी टॉक्सिक गैस होती है, बड़ी जहरीली गैस होती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पहले क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थेटिया के फॉर्म में निश्चय चेतक के रूप में किया जाता था, पर अब हुआ क्या कि एनेस्थेटिया के फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि टॉक्सिक नेचर होता है, क्योंकि ये इजीली बना लेता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको या तो ब्राउन बोतल में रखा जाता है ताकि वहां पर सनलाइट का इफेक्ट नहीं हो। दूसरी प्रिकॉशन या दूसरी सावधानी रख सकते हैं कि उस बोतल को अपन उसके मुंह तक पैक कर दें ताकि उसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए, और कभी कभी आजकल ये भी करते हैं कि उसमें थोड़ा सा एल्कोहल मिला देते हैं, तो एल्कोहल मिला देने के कारण ऑक्सीजन उससे रिएक्टिव नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी 2014 से लगाकर 2020 तक के प्रश्नों को यहाँ पर स्टडी किया है, पढ़ा है, समझा है। आई होप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को या इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, और बचे हुए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बाद की वीडियो या वीडियो लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।